सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडियन यूनिवर्सिटीज। मेरी MERI, आपका नाम सुनिए। आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, इसका क्या हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर देगा, आपको पता ही। बट आपको कहाँ पर जाना है और किस तरह से चेक करना है, किस क्या क्या प्रोसेस होती हैं, इन सभी की डिटेल्स इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है, स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। सबसे पहले और एक चीज़ और कि बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस जगह पे क्या फिल करनी है, किस तरह से फिल करनी है, और नेम से लेकर के एंड तक के सारे प्रोसेस जो होती हैं बच्चों को जो भी प्रॉब्लम देती है, और सभी प्रॉब्लम्स आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी और आप समझ जाएंगे फिल करना कैसे, किस तरह से। तो सिंपल, आपको अपने ब्राउज़र में google.com ओपन कर रहे हैं, वहाँ पर टाइप करनी है MERI 2022 IAS पेपर एंड्स, ठीक है। ये क्या है, IAS पर इज़ एन एक्सक्लूसिव वेबसाइट जहाँ पर आपको मेरे के रिलेटेड सारे का सारे अपडेट नोटिफिकेशन मिलती है। टाइप करके सर्च करना एंड सर्च करते फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है तो IAS पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च टेक इंस्टीट्यूट, इसको बोला जाता है मेरी का फुल फॉर्म मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जिनको बच्चों को नहीं पता है वो यहाँ पर देख सकते हैं, पता है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर आपको हैज़ बीन रिलीज फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स के लिए रिलीज़ किया गया। क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म फिलअप करनी है जिसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड, कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस फिल करनी है। एंड आपको यहाँ पर इससे ये होगा, गेट फ्री काउंसिल पर क्लिक करनी है, तो इससे ये होगा कि आपको बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटी के बारे में सजेशंस मिलते हैं आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा, गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा कि देश के टॉप 12th यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हो चुकी है, जहाँ पर आप खुद देख सकते हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी, UPES यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, VIT EEE यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी, ठीक है, MIT पारुल यूनिवर्सिटी, JD गोयनका यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप इनमें से चाहे तो किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। किस तरह से क्या करना होता है, एडमिशन नहीं होता, क्या होता है कि ये देश के टॉप 12th यूनिवर्सिटीज़ में से है, ठीक है, हमारे देश के। इसमें क्या होता है कि आपको एडमिशन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको 100% प्लेसमेंट रेट मिलती है, क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिलती है, प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप इनमें से जरूर किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर आपकी जगह होता तो जरूर एडमिशन ले लेता इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके। सो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन रिलीज फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स के लिए, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन हियर, स्क्रॉल डाउन, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन हियर, राइट। सो दिस इज़ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मेरी कॉलेज, जहाँ पर आप देख सकते हैं, वेर यू कैन सी एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल्स, Part 1, ठीक है, दिस इज़ अ Part 1 एंड Part 2, Part 3, Part 4 एंड 5th। सो लेट्स स्टार्ट द फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। स्टूडेंट फर्स्ट नेम, मेरा फर्स्ट नेम क्या है, स्टूडेंट लास्ट नेम, स्टूडेंट टाइप योर फादर नेम, टाइप योर फादर नेम, लास्ट फादर नेम, लास्ट नेम ऑफ फादर, नेक्स्ट वन इज मोबाइल नंबर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पिताजी का, फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर होगा, स्टूडेंट आपका ईमेल आईडी चाहिए, जेंडर बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना होता है, यहाँ पर टाइप करनी होती है, फिर जेंडर, ओके राइट, सीजन, '22। अब यहाँ पर आपको बतानी है कैटेगरी, ठीक है स्टूडेंट, फोटोग्राफ, यहाँ पे आपका फोटोग्राफ चाहिए, तो फोटोग्राफ जो भी आपका होगा यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे, हो गया मेरा अपलोड। तो आपका फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ का फोटो चाहिए, फ़ोटो, और फिर आप उसे अपलोड कर सकते हैं, अपलोड कर देंगे, यहाँ पर चूज़ फाइल कर देंगे ना, हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कम्युनिकेशन एड्रेस Part 2, जहाँ पर आपको हाउस नंबर बताना, तो सिंपली आपको एड्रेस में क्या करना होता है, हाउस नंबर, एरिया, लोकल, स्टेट, सिटी, पिन कोड, ये सभी डिटेल्स फिल करना होता है।
फिर आप आगे बढ़ेंगे परमानेंट एड्रेस की तरफ, जहाँ पर परमानेंट एड्रेस में भी सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि परमानेंट बोला गया कि ये परमानेंटली आप कहाँ रहते हैं। आप चाहे तो सेम दे सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग भी दे सकते हैं दो जगह रहते हैं तो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होती है, मेट्रिकुलेशन का डिटेल्स तो यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग बताना होता है यानी कि टेंथ का डिटेल, मेट्रिकुलेशन, फिर स्कूल एंड कॉलेज का नाम, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम, परसेंटेज कितने आए थे आपके, तो मैंने यहाँ पर सभी डिटेल फिल किया। और सीनियर सेकेंडरी का आपने पासिंग ईयर बताना है 2012 में फॉर लाइक, ठीक है, स्कूल या फिर कॉलेज का जो भी नाम यहाँ पर बताएं, बोर्ड का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम बताएं, परसेंटेज आपने कितना सिक्योर किया था, और ग्रेजुएशन बताना है, ग्रेजुएशन कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया पूरा, कौन सा एक कॉलेज था, कौन सा यूनिवर्सिटी का नाम था, परसेंटेज कितने आए थे, ये सभी की डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी है। अगर और कोई एक वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है, वर्क एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं। फैसिलिटीज वांटेड, फिफ्थ हॉस्टल टाइप बताना, तो एयर कंडीशनल्स होना चाहिए और या फिर नॉन एयर कंडीशनल या फिर नॉट रिक्वायरमेंट, हॉस्टल की आपको ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है यहाँ पर बताना है। ओके तो अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज चाहिए तो आप यहाँ पर नॉट रिक्वायर पर क्लिक करके सबमिट कर देना होता है। सो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ अगर आपको चाहिए तो बता सकते हैं, अगर चाहिए तो एयर कंडीशन चाहिए या फिर नॉन एसी चाहिए, एसी चाहिए ना आपको तो बता सकते हैं, नहीं चाहिए तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ अगर चाहिए नहीं तो आप नॉट रिक्वायर कर सकते हैं। तो हॉस्टल की चाहिए नहीं मुझे और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी नहीं चाहिए मुझे, मैं अपने प्राइवेट गाड़ी में आऊँगा एसी वाले में, लंबरगिनी, एंड सबमिट एडमिशन पे क्लिक करना होता है। तो जब आप सबमिट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर आता है थैंक यू फॉर फिलिंग द फॉर्म, वी विल गेट बैक टू यू सून। सो ऐसा आपको भी आएगा तो ऐसा थैंक यू करके आएगा और बस इतना बोला जाएगा और आपको बाद में कॉन्टेक्ट किया जाएगा, फिर कंफर्मेशन होंगे और फिर आपको एडमिशन मिलेगा। तो इस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस को कंप्लीट करनी थी। अगर डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऐसे कुछ वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।